हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, मैंने हाफ स्वेटर का ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें मैंने इसका मेजरमेंट बताया हुआ है और नेक के कैसे बनाना है ये भी बताया है। और ये देखिए, ये डबल नेक मैंने बनाया है, इसमें डबल बॉर्डर बनाया है नेक में, वो भी बता दिया है मैंने कैसे बनाना है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल से, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप ये देखिए, जब जेंट्स का हाफ स्वेटर बनाते हैं, किसी का भी जब हाफ स्वेटर बनाते हैं, तो उसके हम बाजू पे भी ये बॉर्डर बनाते हैं। तो मैंने इसमें भी डबल बॉर्डर ही बनाया हुआ है। ये देखिए, एक साइड मैंने बना लिया है और ये डबल बॉर्डर ही मैंने बनाया है। इसका दूसरी साइड में मैं बताऊंगी कि इसका डबल बॉर्डर कैसे बनाएंगे। देखिए, चाहे तो आप इनको वैसे भी फंदों को बंद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनको डबल बॉर्डर बनाएं, लेकिन अगर आप डबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें बताऊंगी इस वीडियो में कि ये डबल बॉर्डर कैसे बनेगा। तो देखिए, करना क्या है इसमें, जितने हम फंदे जितने मैंने इस वाले पे रखे हुए हैं बाजू पे, उतने ही मैं इस पे भी रखूंगी। तो हमें दोनों साइड पे बराबर फंदे उठाने होते हैं, इतने से इतने तक बराबर। एक कंधे का जो फ्रंट साइड है उसमें भी बराबर फंदे और इधर भी बराबर। तो टोटल जो फंदे हम उठाते हैं, 140 से 150 फंदे आप इसमें उठा सकते हैं। तो एक साइड में अगर आप उठाना चाहें तो 70 से 80 तक फंदे, मतलब 70 से 80 फंदे आप इतने तक उठा सकते हैं, 70 से 80 के बीच, और इधर भी दोनों साइड आप बराबर। तो पहले एक साइड से उठाएंगे, जितने यहाँ तक उठेंगे उतने ही हम इस साइड पे भी उठाएंगे। तो बहुत आसान होता है, एक साइड से फंदे उठाएंगे, जैसे फंदे उठाते हैं प्रोसेस वही रहता है फंदे उठाने का। इस पूरे में हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे, गोलाई में एक ही सिलाई पे उठाएंगे, नॉर्मल सिलाई पे उठाएंगे जिससे आप बनाते हैं स्वेटर। तो दोनों साइड से हम इसको बुनते हैं, बहुत ही आसान होता है ये। तो जिस सिलाई से आपने बॉर्डर बनाया है उसी सिलाई से आप फंदे उठाएंगे, जितने नंबर की सिलाई से आपने बॉर्डर बनाया होगा। तो यहाँ से धागा जोड़ेंगे इस पर, एक साइड से देखिए जहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमने स्टार्ट की थी, वहीं से इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक साइड से इसमें निडल डालेंगे और कम से कम मैं इसमें 78 तक या 75 to 78 फंदे उठाऊंगी, जितने मैंने पिछले बॉर्डर में उठाया है। यहाँ से इस तरीके से इसमें धागा जोड़ेंगे और एक एक करके इसमें फंदा उठाएंगे, जैसे फंदे उठाते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि फंदा हम कैसे उठाते हैं। इस तरीके से देखिए, पूरे साइड्स में हम फंदे उठाएंगे इसके। तो ये डबल बॉर्डर है इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लगते हैं, तो इसमें पास पास फंदे उठाएंगे, बिल्कुल पास से फंदे उठाएंगे तो सही से इसमें फंदे उठ जाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर इसके एकदम नेक्स्ट में हम ऐसे निडल डालेंगे और फंदा उठाएंगे। फिर इसको एक साइड से एक सीधा और एक उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम फंदा उठाना ख़त्म करेंगे वहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने नेक का बताया है वैसे ही बनाना है इसको, क्योंकि डबल बॉर्डर बना रहे हैं तो वैसे ही बनाना पड़ेगा इसको, जैसे हमने नेक में बनाया है। सेम जैसे मैंने नेक बनाया है और दूसरी साइड बनाया है, वैसे ही हम इसका कंधे भी बनाएंगे, मतलब इसके बाजू की बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं 9 लाइन्स जो है इसकी सिंपल से एक सीधी एक उल्टी कर लेती हूँ। उसके बाद सुई से जैसे गला बंद करते हैं वैसे ही इसका बाजू भी बंद करेंगे। तो पहले ऐसे फंदे उठाएंगे इसमें, ऐसे इसमें पूरे में फंदे उठा लेंगे, बहुत ज़्यादा साइड में भी फंदे नहीं उठाने हैं और बहुत ज़्यादा इधर भी फंदे नहीं उठेंगे। तो एकदम आपको बराबर में उठाना है, ना बहुत ज़्यादा उधर। जो ये लाइन होती है ये अंदर की साइड इस साइड हो, बस ये ध्यान रखना है, बाकी फंदे आप उठाते हुए जाएंगे ऐसे करके, ताकि आपके 75 to 78 फंदे उठ जाएं। इतने आप इसको ऐसे करके उठा लेंगे फंदे एक एक करके। तो मैं इसके फंदे उठा लेती हूँ, पहले यहाँ तक उठाएंगे, जितने यहाँ तक उठेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितने उठेंगे उतने ही हम इसके पिछले पार्ट में भी इसी सिलाई पे उठाना है, इसी धागे से, लेकिन डिवाइड करके, जितने टोटल उठाने हैं उसके डिवाइड करके उठाएंगे। तो ये फंदे उठा लेती हूँ मैं, यहाँ तक मेरे ये 76 फंदे उठ गए हैं और उतने ही मैं इसके इस साइड में भी उठाऊंगी। देखिए ये जो इसका दूसरा साइड है, यहीं से कंटिन्यू करूंगी, यहाँ से गिनना स्टार्ट करूंगी, यहीं से मैं इसके यहाँ तक फंदे उठा लूंगी, उसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो
फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद बुन के दिखाऊंगी कि आपको डबल बॉर्डर इसमें कैसे बनाना है। तो इसको करके मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है आपको। अब आगे देखिए करना क्या है। वैसे तो मैंने इसकी 8 लाइंस बना ली हैं, जैसे हम गला बनाते हैं उतनी लाइंस अगर इसमें बनाएंगे तो ये लुक इसका अच्छा आता है। जो हाफ स्वेटर का बाजू होता है उसका उतनी लाइंस बनानी होती हैं। तो मैं इसमें डबल बॉर्डर बना रही हूँ, तो मैं सेम ही करूँगी जैसे मैंने गले पे किया है। तो देखिए जैसे आप इसमें फंदे उठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया कितने फंदे उठाने हैं आपको, कैसे उठाना है। आप ऐसे आएंगे यहाँ पे, तो ये आप उल्टी साइड से, ये आपके पास उल्टी साइड आ जाएगी। यहाँ से आप इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, एक सीधा एक उल्टे का, जैसा बॉर्डर बनता है वैसे इसको बनाएंगे। देखिए एक उल्टा और एक सीधा, ऐसी आप इसकी 9 लाइंस डालेंगे। डबल बॉर्डर अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप इसकी पूरी 12 लाइंस बना के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए पूरी लाइंस डालने के बाद जैसे आप 9 लाइंस ऐसे डाल देंगे, एक उल्टा और एक सीधा, एक इस साइड से एक उस साइड से, दोनों साइड से बुना जाता है क्योंकि ये सिंगल सिलाई पे हम इसको बुनते हैं। तो ये एक लाइन इधर से आती है, फिर ये इधर से, तो ये टोटल 9 लाइंस आपको करनी है दोनों साइड से बुन के। मेरी ये 9वीं लाइन है क्योंकि मैंने इसमें सारी लाइंस डाल दी हैं। अब 9 लाइंस करने के बाद इसको डबल बॉर्डर के लिए हम 3 लाइंस अलग से डालेंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो देखिए एक उल्टे और एक सीधे का मेरा बॉर्डर है, तो मैंने वैसे ही करके 9 लाइंस इसकी डाल दी हैं। ये मेरी लास्ट वाली लाइन है। 3 लाइंस आप डाल सकते हैं डबल बॉर्डर के लिए, या 4 भी डाल सकते हैं, उसको हम अलग से 3 लाइनें डालते हैं। वो लाइंस ज़रूरी होती हैं आपके डबल बॉर्डर बनाने के लिए। उसके बाद इसको सुई से बंद करते हैं। तो देखिए बाजू पे डबल बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। बस 9 लाइंस आपको ऐसे सीधी सीधी करनी है, एक उल्टा और एक सीधे का जैसे बॉर्डर बनता है वैसे इसको बनाना है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो ये मेरी 9वीं लाइन है। फंदे उठाने के बाद आपको ऐसे ही कर लेना है इसको, एक उल्टे एक सीधे फंदे वाली लाइन आपको 9 लाइंस कम से कम इसकी बनानी है। तो ये मेरी लास्ट वाली 9वीं लाइन है। उधर से मैं बताती हूँ कि इसको इसके बाद कैसे करना है, 3 लाइंस कैसे डालनी है। तो ये वाली लाइन में कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये 9 लाइंस मेरी, देखिए ये 9 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं यहाँ तक। अब देखिए आपको करना क्या है। पहली लाइन में 3 लाइंस हमें बनानी है डबल बॉर्डर के लिए। पहली लाइन में हम क्या करेंगे, सीधी साइड में हूँ मैं, मतलब ये इसका ये साइड है। अगर आप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाएंगे, तो आपका भी ये 10वीं लाइन जो है आपकी सीधी साइड में आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो सीधा फंदा है उसको ऐसे बुनना है और धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा स्लिप करना है ऐसे करके, फिर धागा पीछे करना है, सीधा फंदा बुनना है ऐसे, फिर धागा ऐसे अपनी तरफ करना है, उल्टा फंदा ऐसे उतार देना है, फिर धागा ऐसे पीछे किया, ये फंदा बुना सीधा, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा फंदा ऐसे ही उतारा, फिर धागा पीछे किया, ऐसी करके ये पूरी लाइन बनेगी। सिर्फ सीधा फंदा आपको बुनना है, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा ऐसे ही उतारा, फिर धागा पीछे किया, सीधा फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, ये पूरी लाइन आपकी एक लाइन ऐसी जाएगी इस तरीके से। ये 10वीं नंबर की जो लाइन है वो बनेगी इस तरीके से। इससे जो है डबल बॉर्डर के लिए ये 3 लाइंस डबल बॉर्डर के लिए आती हैं, तो ये इस तरीके से बनेगी। अब आपको करना क्या है कि 10वीं लाइन आपको इसी तरीके से बनानी है जैसे मैं बता रही हूँ, और 11वीं लाइन में बताती हूँ आपको क्या करना है उसमें। वो मेन लाइन होती है, अगर आपको प्रॉपर जो है डबल बॉर्डर चाहिए अपने कंधे की जो बाजू होते हैं, कंधे की साइड वाले जो बॉर्डर होती है उसमें अगर आपको डबल बॉर्डर चाहिए तो आपको 11वीं लाइन जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन में कंप्लीट करके दिखाती हूँ 11वीं लाइन में को कैसे करना है, क्योंकि गले में हम जो है एक साइड से इसको बुनते हैं, गले में बाहर बाहर की साइड से बुना जाता है तो इसलिए हम वही फंदा स्किप करते हैं। लेकिन जब हम कंधे का बॉर्डर बुनते हैं तो उसमें दोनों साइड से बुना जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है वो खराब हो सकता है। तो अब उस साइड से हम सीधा फंदा बुन रहे थे, जो हमने पहली अभी जो एक लाइन की है उसमें हम सीधा फंदा बुन रहे थे और उल्टा फंदा स्किप कर रहे थे। अब 11वीं लाइन में उल्टा फंदा आपको बनाना है ऐसे करके, और धागा पीछे करके
ये सीधा जो फंदा है इसको ऐसे स्किप करना है, वही वाला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं जो उस साइड कर रहे थे, तो इस साइड वो सीधा दिख रहा होगा, उसको ऐसे स्लिप किया, फिर धागा ऐसे आगे किया, उल्टा वाला फंदा ऐसे बनाया, धागा पीछे किया, सीधे वाले फंदे को ऐसे स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा वाला फंदा बनाया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उस साइड है वो सीधा फंदा हमने बनाया वो इस साइड से उल्टा है, तो उसी को बनाना है, और जिसको उधर से हमने स्लिप किया था ऐसे उतारा था उसको इधर से भी उतारना है। बस यही ध्यान रखना है इस वाली लाइन में। तो ये ऐसे करना है, धागा पीछे करके सीधा वाला फंदा स्लिप करना। 11वीं लाइन में यही चीज ध्यान रखनी है, इधर से उल्टा फंदा बना रहे हैं, धागा पीछे करके सीधे को जब हम स्लिप करते हैं तो ऐसे करना है, इस तरीके से उल्टा बनाना है, धागा पीछे करके सीधे को ऐसे स्लिप किया। ऐसी ये पूरी लाइन बनेगी 11वीं, और 12वीं लाइन हम वैसी करेंगे जैसी हमने 10वीं लाइन की थी। देखिए 11वीं लाइन तो वैसी करनी है जैसे मैंने बताया, 12वीं लाइन में फिर से आपको सीधा फंदा बनाना है। ये देखिए ये सीधा फंदा है, ये बनाया, धागा अपनी तरफ किया और ये उल्टा फंदा स्लिप किया, फिर धागा पीछे, ऐसी करना है जैसे मैंने 10वीं लाइन बताई थी। अब वो फंदा जो हम बार बार स्लिप कर रहे हैं वो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिख रहा है क्योंकि उसको बुना नहीं है तो वो अलग से दिख रहा है। तो ये लाइन ऐसी करनी है, उसके बाद इसको सुई से बंद करेंगे। तो 12वीं लाइन पूरी ऐसी करनी है, उसके बाद ये ऐसे उभरा उभरा सा दिखने लग जाएगा। अब देखिए इसकी तीन लाइन से कंप्लीट हो गई हैं, ये तीन लाइन इसकी कंप्लीट हो गई हैं, जहाँ तक हमने इसको ये तीन लाइंस बनाई थी 9 लाइन करने के बाद। तो अब देखिए इसको करना क्या है, ये वही धागा है जिससे हमने इसको बुना है, इसको तोड़ के थोड़ा सा लंबा रखेंगे और ये सुई पे लगा देंगे। ये तोड़ दिया हमने इसको गोले से, थोड़ा लंबा रखेंगे सिलने के लिए। और ये अब देखिए करना क्या है, हम उल्टी साइड से इसको, ये देखिए क्योंकि आपकी लाइन जो है वो सीधी साइड पे ख़त्म होती है, तो उल्टी साइड आपको इसको ऐसे रखना है और इसको सिलना स्टार्ट करना है। देखिए कैसे, थोड़ा सा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए आपका सबसे पहले आपका उल्टा फंदा आ रहा है अगर, तो आपको इस तरीके से इसमें सुई डालनी है। अगर सीधा फंदा आएगा तो आपको इस तरीके से डालनी है। तो ये उल्टा है तो इसमें इस तरीके से जाएगी, सीधा है तो इस तरीके से जाएगी, बस यही ध्यान रखना है। बस देखिए अब ये उल्टी साइड है, इसमें ऐसे सुई डालेंगे देखिए, और इस फंदे को उतार देंगे। ये उतारा, अब ये सीधा फंदा है ये वाला, देखिए सीधा फंदा है, इसको भी ऐसे सुई डाल के उतार देंगे। ये ऐसे कर दिया, देखिए सबसे पहले जो हमने उल्टा फंदा उतारा था उसमें हमने जो धागा डाला था उस फंदे में, हमें धागे में नहीं डालना, फंदे में हमें ऐसे निडिल डालनी है। देखिए ऐसे करके निडिल डालनी है उसी फंदे में, और ये उल्टे फंदे को इस तरीके से उतारना है, ऐसे उल्टे के साथ, उल्टे को ही हमने ऐसे कर दिया, बंद कर दिया। अब देखिए सीधा फंदा उतारा था, सीधे फंदे में हमें ऐसे, ये सीधा फंदा है, इस तरीके से इसमें ऐसे निडिल डाली और ये सीधा फंदा ऐसे करके उतार दिया। अब यही आपको रिपीट करते हुए जाना है, ये देखिए इस तरीके से बंद होता हुआ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, फिर से जो हमने यहाँ से उल्टा फंदा उतारा है ये वाला, इस उल्टे फंदे में हमें निडिल डालनी है। देखिए ये वाला अलग सा दिखेगा, जो ये धागा है बीच में ये इससे जुड़ा हुआ होगा, तो वही फंदे में आपको ऐसे डालनी है सुई और इसको ऐसे उतारना है, उल्टे फंदे के साथ इसको ऐसे जोड़ना है, देखिए ऐसे करके, और इसमें धागा खींच लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं करना है। अब सीधा फंदा जो हमने अभी उतारा है वो ये दिख जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला होगा तो वो दिख जाता है, इस तरीके से लेना है उसको। ये सीधा फंदा है ये, और ये जो इसका पार्ट है ये पूरा फंदा वही है जो हमने उतारा था, इसको सीधे फंदे के साथ इस तरीके से जोड़ना है। ये इस तरीके से आपका बॉर्डर बंद होता हुआ जाएगा, देखिए फिर से
उल्टे फंदे को ऐसे लेना है, उल्टे फंदे के साथ ऐसे जोड़ना है, बस पूरी लाइन में यही करते हुए जाना है। फिर सीधे फंदे के साथ सीधे फंदे को ऐसे लेना है और इसको ऐसे जोड़ते हुए जाना है। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचिएगा और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, इसको ठीक ठीक रखना है ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। फिर से उल्टे फंदे के साथ ये जो हमने छोड़ा हुआ उल्टा फंदा है उसको लेंगे, ऐसे करके ऐसे लिया, ऐसे निकाल दिया। फिर सीधे फंदे को ऐसे लिया, सीधा फंदा देखिए आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला सीधा फंदा है, तो इसको इस तरीके से लिया और सीधे फंदे के साथ ऐसे जोड़ दिया। फिर से उल्टे वाले फंदे को लेना है ऐसे करके और उल्टे फंदे के साथ ऐसे जोड़ देना है। पूरी लाइन को ऐसे ही बंद करते हुए जाना है, सीधे फंदे के साथ सीधा फंदा ऐसे जोड़ना है और उल्टे फंदे के साथ उल्टा फंदा जोड़ना है, बस यही करते हुए जाना है पूरी लाइन में। ये देखिए, जो उल्टा फंदा है वो आपको इस तरह से दिखेगा, आप उसको खींचेंगे ऐसे तो ये धागा खींचेगा आपका, ये आपका उल्टा फंदा है और उसमें सुई डाल के आपको ऐसे उसको उतार देना है, तो ये पूरा बंद होता हुआ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ये किसको कैसे करना। अब देखिए सीधा फंदा आपको कैसा दिखेगा, ये सीधा फंदा मैंने अभी उतारा था, ये ऐसे दिख रहा है, ये उतारा था मैंने, तो ये जो उसका ऐसे शेप होता है, वी शेप जो होता है इसका, इसका इधर वाला पार्ट लेना है और इसको इससे जोड़ना है, ये ऐसे डबल बॉर्डर बनता हुआ बंद होता हुआ जाएगा और लास्ट में उसको बंद कर देना धागे को और ये ऐसे बनेगा जैसे मैंने दूसरी साइड में बनाया है, इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही आप इसको बंद कीजिए, आराम से बन जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस तरीके से बन जाएगा ये। बस आपको सिलने में थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिलने में थोड़ा सा आप फंदों का ध्यान रखिएगा, कौन सा सीधा फंदा है कौन सा उल्टा फंदा है, और ये इस तरीके से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप इस बॉर्डर को बनाइए और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।